तो 13.1 पिछली क्लास में पढ़ ली हमने, आज पढ़ेंगे 13.2 प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम पिछली क्लास, पिछली जो प्रश्नावली पढ़ी है उसमें हमने सूत्र पढ़ा है PE अपॉन F का सूत्र क्या होता है, E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। यहाँ से तिरछा गुणा इधर कर दे तो PE इंटरसेक्शन F, इसका मान कितना आएगा, PF इंटू ये इधर आ गया PE अपॉन F, है ना। तो एक ये सूत्र हो जाएगा, वही है जो पिछली प्रश्नावली में था, उसी को ही थोड़ा सा इसको इधर गुणा कर दिया, तो प्रायिकता का गुणन नियम यही कहलाता है। E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता हो जाएगी PF इंटू PE अपॉन F, ये जो बटे में है वही यहाँ गुणा में होगा। अब अगर ये दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो, स्वतंत्र और आश्रित का मतलब क्या हो जाएगा, स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट। तो स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र घटना का मतलब क्या होगा, जिस पे किसी दूसरी घटना का प्रभाव नहीं पड़े वो स्वतंत्र है, और दूसरी घटना जो है उसको आश्रित या परतंत्र घटना कहेंगे। तो स्वतंत्र घटना का मतलब है जैसे PE अपॉन F है, अगर दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, किसी एक घटना पे दूसरी घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़े, जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं और एक पासा, सिक्के पर हेड आ गया, अब पासा उछालोगे तो पासे पे कोई फर्क पड़ेगा इस घटना का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें एक से छः तक जो भी संख्या आनी है वो आएगी, है ना। तो ये दोनों आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं, परंतु ताश के 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाल लिया और वो ईंट का है, अब 51 पत्ते बचे, उनमें से एक पत्ता निकालोगे तो दूसरा पत्ता पान का या काले रंग का आने की प्रायिकता अगर पूछे तो ये आश्रित घटना है, क्योंकि यहाँ पे जो घटना घटित हो चुकी है उसका प्रभाव इस घटना पे पड़ेगा। तो अगर दो घटनाएं स्वतंत्र है, अब मैं पूछूं कि एक सिक्के को उछाल दिया, ये घटना घटित हो चुकी है, अब पासे को उछालने पे 6 आने की प्रायिकता बताओ, तो इस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि ये इस घटना से स्वतंत्र है, तो इसीलिए PE अपॉन F PE के बराबर ही आएगा। यहाँ पे घटना F जो घटित हो चुकी है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यदि दो घटनाएं स्वतंत्र है तो PE अपॉन F की जगह आप PE रख सकते हो, इस जो घटना घटित हो चुकी है इसका कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। तो ये जो सूत्र है, अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये सूत्र बदल के E अपॉन F की जगह आप E रख सकते हो, तो ये सूत्र ऐसे बन जाएगा स्वतंत्र घटना के लिए। ये तो होता है आश्रित घटना के लिए, इसमें दिखेगा नहीं है, ये तो होता है सूत्र जब घटना आश्रित हो या डिपेंडेंट हो। अगर इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो उसके लिए सूत्र होगा PE इंटरसेक्शन F बराबर PF इंटू, इसका मतलब हो जाएगा PE, या E को पहले और F को बाद में, यानी यहाँ जो इंटरसेक्शन है इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख दिया जाता है PE इंटू F बराबर PE इंटू PF। अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो ये सूत्र लगेगा, स्वतंत्र नहीं है तो फिर ये सूत्र लगेगा। ये दो सूत्र है, इसको बोलते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। आगे चले, इसके बाद में इसी प्रकार अगर तीन घटनाएं हमें दे रखी हो,
टी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई इंटू पी जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ। पहले ई फिर एफ लिखा ऊपर तो अपॉन में ई आ गया, और जब जी लिखा ऊपर अगली घटना में तो ये दोनों ई इंटरसेक्शन एफ ये बटे में आ गया, या इसी को पी ई इंटू पी ई अपॉन एफ अपॉन ई, और इसको पी जी अपॉन ई एफ ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो तीन अगर घटनाएं हैं तो उनके लिए गुणन नियम ऐसे ऐसे है, दो घटनाओं के लिए अभी आपको बताया था। और इसी में अगर ये तीनों घटनाएं स्वतंत्र हो तो फिर इसका सूत्र, अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो फिर ये ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ये हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ इंटू पी जी। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये जो बटे में है ये घटनाएं घटित हो जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऊपर वाली घटना पे। अब इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 13 जो दे रखा है आपको, अब पीडीएफ नहीं बना रखी तो इसमें बताना पड़ेगा। 13वां है, सिद्ध कीजिए कि यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। तो हमें यह दिया है घटना ई, कौन सा एग्जाम्पल है ये 13, घटना ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध करना है, या इसका हम ये मतलब समझते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ, और हमें सिद्ध करना है E और F अगर स्वतंत्र है तो E और F डैश भी स्वतंत्र होंगे, ये सिद्ध करना है। यानी E इंटरसेक्शन F डैश बराबर होता है पी ई इंटू पी एफ डैश, ये सिद्ध करना है। अगर ये इसके बराबर आ गया इसका मतलब ये दोनों भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले E इंटरसेक्शन F इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन एफ डैश, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो घटनाएं हमें दे रखी है, ये घटना ई है ये घटना एफ है, ई का मतलब ये ई घटना और एफ डैश का मतलब उसमें एफ नहीं होना चाहिए, एफ का पूरा हिस्सा ये जो है ये हटाना है, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है वो हटाना पड़ेगा हमें, ये हटाएंगे तो ये पूरा ही हट जाएगा। चलो इधर कर देते हैं तो ये बच गया। तो E और F डैश का मतलब है इसके बाहर का एरिया है ना, तो दोनों का कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ये वाला इससे बचेगा ये वाला। E का मतलब तो हो गया ये E पूरा सेट, ये तो है E यहां तक पूरा, और F डैश का मतलब क्या हो जाएगा, इधर कर दूं मैं, ये E था ये F था, F डैश का मतलब F को छोड़ के इसके बाहर का पूरा एरिया,
तो फिर ये पूरा एरिया आ जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, ये है एफ डैस, तो ई और एफ डैस का इंटरसेक्शन लेना है हमें। दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है, तो ये इस तरफ वाला, ये इतना जो है वो इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो दोनों का कॉमन ये आ जाएगा। यानी ये किसकी जो बना है वो है ई इंटरसेक्शन एफ डैस। तो इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक तो ई इंटरसेक्शन एफ डैस ये है ही, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, ये वाला जो होता है एरिया इसको लिख सकते हैं, ये पूरे ई में से ये जो एरिया है कॉमन, इसको क्या लिखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ ये वाला। और अगर इस पूरे एरिया को मैं अगर ऐसे भी लिख दूं तो ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ये पूरा ई था, इस पूरे ई में से ये जो कॉमन है ई इंटरसेक्शन एफ ये घटा दिया तो भी यही बचेगा, तो इसीलिए इसको ई इंटरसेक्शन एफ डैश को हम लिख सकते हैं ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। फिर ये सवाल होगा, तो हमें ये सिद्ध इसके बराबर करना है, तो इसके लिए इस वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, पी भी नहीं लगाते अभी, तो हम ये जानते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर है ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर हो जाएगा पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। सवाल में हमें दिया है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ की जगह आप पी ई इंटू पी एफ लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा पी ई माइनस पी ई इंटू पी एफ, इन दोनों में से पी ई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, वन माइनस पी एफ, और वन माइनस पी एफ क्या हो जाएगा, पी ई इंटू पी एफ डैश, तो सिद्ध हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर पी ई इंटू पी एफ डैश। इसका मतलब ई और एफ डैश है ये भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो अगर ई और एफ स्वतंत्र है तो ई और एफ डैश ये भी स्वतंत्र घटनाएं होगी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम्पल 14 है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश होती है, सिद्ध करना है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है काफ़ी। दोनों में से किसी एक के होने का मतलब है यूनियन की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो पी ए यूनियन बी, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ए यूनियन बी का मतलब या तो घटना ए हो सकती है या बी हो सकती है या दोनों ही हो सकती है, तो कम से कम किसी एक के घटित होने की प्रायिकता पी ए यूनियन बी, और बी स्वतंत्र घटनाएं आपको दे रखा है इसमें, तो इसको आप पहले तो इसका सूत्र लगाते हैं। ए यूनियन बी का क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो गुणन नियम लगा देंगे इसका, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, क्योंकि हमें दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब इन दोनों में से पी ए कॉमन ले लो या इनमें से पी बी कॉमन ले लो दोनों में से, तो पी ए प्लस पी बी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा वन माइनस पी ए, तो ये हो गया पी ए प्लस पी बी, और ये क्या हो जाएगा पी ए डैश
पी ए को हम लिख सकते हैं वन माइनस पी ए डैस पी ए की जगह प्लस पी बी इंटू पी ए डैस। अब इन दोनों में से पी ए डैस कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा वन, और ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा अंदर, और पी बी तो वन माइनस पी ए डैस और ये हो गया पी बी डैस, और इस तरफ है पी ए यूनियन बी। तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है वन माइनस घटना ए के नहीं घटित होना और घटना बी का घटित नहीं होने की प्रायिकता। दोनों के घटित नहीं होने की प्रायिकता ये होती है, एक में से घटा दोगे तो कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो ये सूत्र की तरह भी काम में आएगा कई जगह, और ये सवाल भी प्रूफ भी करवाता है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 14, तो इसमें पहला क्वेश्चन तो सीधा सा कर ही लिया होगा आपने, है ना। दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P A इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा P A इंटू पी बी, ए का मान 3/5, पी बी का मान 1/5, तो आंसर आ जाएगा 3/25। दूसरा सेकंड क्वेश्चन में 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छ या बिना प्रतिस्थापन किए दो पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। तो हमें पहला जो पत्ता निकालेंगे वो भी ब्लैक कलर का होना चाहिए, इसको B1 और B2, मतलब पहला पत्ता निकाले वो भी ब्लैक होना चाहिए, दूसरा पत्ता निकालोगे वो भी ब्लैक होना चाहिए। तो पहला पत्ता और बिना प्रतिस्थापन के है, पहला पत्ता जब आप निकालोगे ब्लैक कलर का, या तो इसको ऐसे लिखा जाएगा B1 इंटू पी B2 अपॉन B1, दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, तो E अपॉन F के लिए बताया था इसका E इंटरसेक्शन F, है ना, सूत्र पढ़ा था ना अभी, E इंटरसेक्शन F बराबर पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई। अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है तो ये सूत्र लगेगा, स्वतंत्र है तो पी ई इंटू पी एफ हो जाएगा। यहाँ पे दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो पत्ता निकाला गया है वो वापस बिना प्रतिस्थापन के वापस प्रतिस्थापित नहीं किया गया। अब जब दूसरा पत्ता निकालोगे तो हमारे पास गड्डी में 51 पत्ते हैं, तो पहली जो घटना हुई उसका असर पड़ रहा है दूसरी घटना पे, तो इसीलिए वो उस पर आश्रित घटना है, तो ये वाला सूत्र लगेगा। तो इसमें जब इसको शॉर्ट में सीधा सा B1 B2 ऐसे लिख सकते हैं, या इंटरसेक्शन ही रखो, B1 पहला पत्ता जो निकाल रहे हो वो ब्लैक कलर का आने की संभावना प्रायिकता 26/52, कुल 26 पत्ते हैं ब्लैक कलर के हैं उसमें से, और टोटल 52 है तो 26/52। दूसरा, अब ये घटना B1 घटित हो चुकी है, यानी पहला जो पत्ता हमने निकाला वो ब्लैक कलर का निकाल लिया हमने, अब गड्डी जो हमारे पास है पत्तों की उसमें 51 पत्ते बचे हैं टोटल, और उसमें से ब्लैक कलर के 26 थे, एक निकल गया 25 पत्ते हैं, तो अब ब्लैक रंग का पत्ता निकालना है आपको दूसरा भी, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 25/51, तो इसको काटोगे 1/2 और 25/102, तो इसकी प्रायिकता आएगी 25/102। तीसरा सवाल है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छ या बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकाल कर किया जाता है, यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए
स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बे में 15 संतरे हैं जिसमें से 12 अच्छे और 3 खराब है के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। तो एक डिब्बे में 15 संतरे हैं, इनमें से 12 सही है और 3 खराब है। और एक डिब्बे में 3 संतरों को रखा जाता है बिना प्रतिस्थापन के, है ना। कोई भी डिब्बा पैक कर रहे हैं तो उसमें 3 संतरे रखे जाएंगे बिना प्रतिस्थापन के। तो अगर तीनों संतरे सही है, सही का मतलब गुड गुड गुड, अगर तीनों ही सही है तब उसको बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाएगा, अन्यथा अस्वीकृत कर देंगे। तो स्वीकृत होने की प्रायिकता, इसका मतलब हमसे प्रायिकता पूछी है जी, पहला जो संतरा निकाल रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए इंटरसेक्शन G2, दूसरा है वो भी अच्छा होना चाहिए क्वालिटी में इंटरसेक्शन G3। 3 घटनाएं, अब ये भी अच्छा होना चाहिए। तो अभी जो सूत्र 3 के लिए पढ़ा था, तो सूत्र कौन सा लगेगा? P G1 plus G2 upon G1 P G3 upon G1 intersection G2। G1 पहला संतरा जो निकाल रहे हो इसमें से वो सही निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 12/15, है ना। सही कितने हैं? 12 है। एक संतरा निकाल रहे हो इनमें से निकालोगे तो 12 बटे और कुल कितने हैं? 15। तो पहला जो संतरा निकाल रहे हो उसके सही होने की प्रायिकता 12/15। अब एक संतरा हम निकाल चुके हैं तो हमारे पास 11 तो ये बचे और 3 ये बचे, 14 ही बचे हैं। अब G2 दूसरा संतरा निकाल रहे हो उसकी सही होने की प्रायिकता, जबकि पहला संतरा हम बाहर निकाल चुके हैं सही वाला, ये घटना घटित हो चुकी है। तो अब हमारे पास इतने बचे हैं सही, एक संतरा कम हो गया। अब दूसरा सही संतरा, इसमें से संतरा निकालोगे तो इसकी प्रायिकता 11/14, कुल कितने हैं? 14। अब ऐसे इसमें है G1 और G2 दोनों घटनाएं घटित हो चुकी है, मतलब पहला संतरा निकाला वो भी सही, दूसरा निकाला वो भी सही। अब इसमें से जब दूसरा निकाला तो यहाँ 10 सही बचे और 3 खराब। अब तीसरा जो संतरा निकाल रहे हैं उसके भी सही होने की प्रायिकता 10/13। तो इसका आंसर क्या आएगा? इनको काट दो, इसको 2 से काटोगे तो 7 और नहीं कटेगा, तो ऊपर तो हो गया 12/11 और ऊपर नीचे आ जाएगा 40, 280, 900 इतने आता है ना। सही बात है। तो 44/91 ये आंसर होना चाहिए इसका, सही। सातवां कैसे आ गया? सीधा ही, अच्छा उधर था। चौथा सवाल, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया है। मान ले ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होना और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होना को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है।
तो ए और बी स्वतंत्र है या नहीं ये बताना है। अब बोल के तो बता दिया आपने, अब सिद्ध करना है आपको। तो सिद्ध कैसे करोगे? सूत्र ए और बी को स्वतंत्र घटना सिद्ध करना है तो इसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये सिद्ध करना होगा। तब सिद्ध होगा कि ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको मिटा दो और फिर सिद्ध करो। तो घटना, एक सिक्के को उछाला जा रहा है और एक पासे को, और उसके बाद में घटना ए आपको दे रखी है सिक्के पर चित्र प्रकट होना। तो सिक्के पर चित्र प्रकट कब होगा, है ना? तो पहले इसकी प्रतिदर्श मष्टि बना लेते हैं। सिक्के और पासे को उछाला जा रहा है तो इसकी प्रतिदर्श मष्टि में कुल कितनी घटनाएं आएगी? 12। पहले सिक्के को उछाला, हेड आ गया, अब पासे पर या तो एक आएगा या दो या तीन, चार, पाँच और छः। और अब सिक्के पर हो सकता है टेल आ जाए, तो टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव और टी सिक्स। अब घटना ए आपको दी है सिक्के पर चित्र प्रकट होना, तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं आ जाएगी? तो है एच वन, एच टू, एच थ्री, एच फोर, एच फाइव, एच सिक्स। और घटना बी है पासे पर तीन प्रकट होना, तो पासे पर तीन प्रकट कब हो रहा है? एच थ्री और टी थ्री, ये दो घटनाएं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या जाएगा? एच थ्री। तो अब हम सहप्रतिबंधित प्रायिकता ज्ञात करते हैं, तो इनकी प्रायिकताएं लिखते हैं। पहले कुल घटनाएं 12 थी हमारे पास, तो ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/12 या 1/2। और बी की प्रायिकता 2/12 या 1/6। और इसकी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/12। तो अब पी ए अपॉन बी, इसका मान ज्ञात करके देखते हैं, या बी अपॉन ए भी कर सकते हैं। तो इसका मान होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इस घटना बी का घटित होना ए पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो जितनी प्रायिकता ए की आ रही है यहाँ पे 1/2, उतनी इस ए अपॉन बी की आनी चाहिए। और अगर इस घटना बी ने इस पे कुछ प्रभाव डाला है तो अब इस ए की प्रायिकता बी घटना के घटित होने के कारण बदल जाएगी, उतनी नहीं रहेगी। तो हो जाएगा सहप्रतिबंधित प्रायिकता, यानी कि दोनों घटनाएं आपस में स्वतंत्र नहीं होगी। परंतु यदि इसी का मान वापस ए की प्रायिकता के बराबर ही आ जाए तो इसका मतलब होगा दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। जैसे इसमें जब आप रखोगे इसका सूत्र ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/12 और बी 2/12, इसका मान आ गया 1/2। इसका मतलब पी ए बराबर है पी ए अपॉन बी, यानी घटना बी के घटित होने का ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और इसका मतलब ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, और हमने देख लिया बी अपॉन ए या ए अपॉन बी, है ना? इसको ऐसे नहीं लिख के उल्टा लिख देता हूँ।
पी बी इंटू पी ए अपॉन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही सूत्र मान जाते हैं। अब बी अपॉन ए किसके बराबर है, पी ए के बराबर, तो इसको लिख सकते हो पी बी इंटू पी ए। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी के बराबर आ गया, तो दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं।